हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम यहाँ पर खड़े हैं वो सभी फैन जो भारत के आज इंग्लैंड से हारने पे हम बहुत बड़े उदास हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर हेमराज जी से। हेमराज भाई बताइए, आज हमारी टीम इंडिया इतनी भयंकर बुरी तरीके से हारी है इंग्लैंड से, और जो वहाँ पर वो क्या नाम था उस क्रिकेटर का जो ओपनिंग करने आए थे, दोनों बटलर और हेल से, अच्छा जो दो क्रिकेटर आए थे ओपनिंग करने, हम बहुत ही निराश हैं आज इंडिया के हारने पर। हम भी चाहते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप को लेकर आए, लेकिन ये तो किस्मत का करिश्मा है कि उनकी मेहनत को भी देखो, इतनी मेहनत की थी। हार्दिक पांड्या ने मैच इतना अच्छा बनाया था, एक उम्मीद जगी थी कि आगे जाकर इंडिया बेस्ट नहीं सुपर बेस्ट वर्ल्ड कप लेकर आएगी। हमारे दोस्तों में भी इतनी खुशी थी आज सुबह से, बस इसी में 1:30 बजे से जब मैच शुरू हुआ था तब से हम लगे थे कि निरंतर मैच देख रहे थे, लेकिन निराशा का सामना करना पड़ रहा। चलो कोई उम्मीद करते हैं कि आगे जैसे भविष्य में कभी वर्ल्ड कप हो तो यही उम्मीद करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आए। और देखते हैं कि अभी जो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होने जा रहा है, मेरे ख्याल से तो वहां पर पाकिस्तान जीतेगी। उस मैच में ये उम्मीद जताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जगह इंग्लैंड लेकर, रोहित शर्मा को बिल्कुल एक तरीके से तो हमारी एशियन टीम आनी चाहिए वर्ल्ड कप लेकर। जी श्योर है, हमारा दुश्मन हो पाकिस्तान, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारी एशियन टीम अगर एशियन टीम लेनी चाहिए। लेकिन आज की जो बैटिंग देखी है, बैटिंग के अनुसार लग रहा है कि आने वाला जो कल जो होगा वर्ल्ड कप उसमें इंग्लैंड के ज्यादा चांस बन रहे हैं। सबसे बात करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं विमल कुमार जी से। विमल कुमार बताइए, जो हमारा हेल्थ चाहता हूँ, इंग्लैंड का जो हेल्थ था उसने आज जबरदस्त धोया भाई भारत को। यहाँ पर 86 रनों की यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ यहाँ पर सब बॉलरों को उसने धो डाला। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि केएल राहुल को, रोहित शर्मा को बैठा देना चाहिए बेंच पे, बिल्कुल परमानेंटली उनको खिलाना ही नहीं चाहिए। वेल डन, मैं भी यही सपोर्ट करना चाहता हूँ। आजकल के युवा है उनको जरूर खिलाना चाहिए, वो बच्चे मेहनत जो विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं उनको कप्तानी से हटा देना चाहिए। तो फिर आपकी तरफ और उनकी जगह जो हार्दिक पांड्या है उनको कप्तानी देनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी था तब से हमारी जो कप्तानी थी टीम इंडिया की, बहुत अच्छी थी तब से। वर्ल्ड कप 2011 में जो जीता था उनकी बदौलत ही हमने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन रोहित शर्मा को उठाकर और नई कप्तानी हार्दिक पांड्या को देनी चाहिए। लाखों लोग थे, 1.5 लाख रुपए के जो टिकट लेके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी टिकट बुकिंग की थी, और वो उनकी जो उम्मीदों पर पानी फिरा आज बहुत ही बढ़िया मैच। बिल्कुल निराशा का दिन है, हम भी समझ पा रहे हैं। बात करते हैं हमारे दर्शक से, को बताइए प्लीज यार कुछ तो शेयर कीजिए हमारे फ्रेंडों को यहाँ पर आने के लिए। तो क्या बचा है आजकल, तो पांड्या तो बहुत अच्छे थे। आपके चेहरे पर तो मुस्कान आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप इंग्लैंड से, इनके चेहरे पर मुस्कान इसलिए आ रही है क्योंकि ये पाकिस्तानी कलर पहने हुए हैं अभी फिलहाल में, इस वजह से इनके चेहरे पर खुशी आ रही है। पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात करते हैं हंस बन्ना जी से। बन्ना जी आप बताइए, आपने मैच देखा पहले? देखिए ये खुशी देख रहे हैं, ये खुशी नहीं है बल्कि नहीं है, ये अंदर से बहुत दुख हो रहा है, दुख लेकिन जाहिर कर रहे हैं। पर अब क्या कर सकते हैं, मन तो ऐसा किया था मेरा, 3 गुना लगान देना पड़ेगा इंडिया को, 3 गुना लगान। पर अब क्या करें, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय भारत नहीं। इंग्लैंड में सोचते हैं कि हार्दिक पांड्या कप्तानी लेकर और इंडिया को विजेता बनाए वर्ल्ड कप दोबारा से लेकर। सबसे जो मेन कमी थी यहां पर, सबसे जो मेन कमी थी यहां पर रोहित शर्मा की थी, केएल राहुल की थी। केएल राहुल मात्र 4 रन पे, बिल्कुल मान रहे हैं रोहित शर्मा की, जब से कप्तानी आई है तब से इंडिया जो है वो बिल्कुल पीछे गया हुआ है, कभी भी आगे नहीं बढ़ा है। रोहित जो शर्मा है उनको कप्तानी से हटाया जाए और उनकी जगह हार्दिक पांड्या को न्यू कप्तानी दी जाए, हम तो यही कहना चाहेंगे। ईशान किशन को यहाँ पर मौका नहीं मिला, नटराजन जो काफी दिनों से यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं उनको मौका देना चाहिए टीम इंडिया को यहाँ पर, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। आशीष जी ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो अभी अर्शदीप थे उनको सबको बाहर कर दो, भुवनेश्वर को बाहर कर दो, जो टी नटराजन था उनको खिलाओ, और हर्षल पटेल को खिलाओ, युवा गेंदबाजों को खिलाओ। हेमराज जी एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो चहल था उसको यहाँ पर टीम में शामिल किया गया, लेकिन फिर भी चहल से बॉलिंग नहीं करवाई गई, उसको टीम में शामिल नहीं किया गया। वही तो हम बताना चाह रहे हैं ना, वही तो हम बताना चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी सबसे खत्म कप्तानी है। भाई लोगों इस वीडियो को आगे तक भेजो और यहाँ पर टीम इंडिया में चेंजिंग होना चाहिए, फोकट में लूट रहा है वो दुनिया को। 23 का जो एशिया कप आएगा उसमें हमारी टीम इंडिया और हार्दिक पांड्या को कप्तानी के साथ जिताए जाए। आज हम जय इंडिया, जय इंडिया, हम भूखे सोएंगे। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो हम कल खाना खाएंगे। महेंद्र धोनी जी, महेंद्र सिंह धोनी जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप थे तब हमारी टीम बढ़िया थी। जय हिंद जय भारत, धोनी जिंदाबाद।